हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैंने बनाया है टमाटो सूप, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सूप बनाने के लिए 6 टमाटर लिए हैं, हम उनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे टमाटर को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है चाकू से। और यहाँ पे एक टुकड़ा अदरक है और 6-7 लहसुन की कलियाँ थी, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है चाकू से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब हम उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर बटर नहीं तो फिर रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे घी गरम हो गया है। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। ज़्यादा नहीं रेड करना है इसको। अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। इनसे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, अदरक लहसुन का जल्दी यूज़ करिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ पे ये भुन गया है, हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको जब तक ये अच्छे से पकना जाए, टमाटर को जब तक पकाना है, 5 मिनट तक फ्रेंड्स पकाने के बाद ये देखिए इन्होंने इसमें कितना अच्छा पानी छोड़ दिया है। और इसमें 6 टमाटर है हमारा, तो हम 6 चम्मच चीनी डालेंगे ताकि खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें चीनी डालते ही हमारे इसमें बिल्कुल एकदम शाइन आना स्टार्ट हो गया है। हम इसको अच्छे से पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 चम्मच केचप ऐड करेंगे ताकि इसका मीठा और कलर दोनों बैलेंस हो जाए। ये देखिए, अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रहे हैं, करीबन 600 ml। फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे टेस्ट लाने के लिए, ताकि खट्टा मीठा और थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। हम चला देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें हल्का सा कलर डालेंगे ताकि ये थोड़ा होटल स्टाइल बन जाए और काफ़ी अच्छा कलर दिखे इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कलर डालने के बाद हमारा ये कितना रिच लग रहा है। और यहाँ हमें 5 मिनट तक पकाने के बाद हमारा सूप रेडी है, पर इसे होटल स्टाइल बनाने के लिए अभी हमें इसमें और थोड़ा और प्रोसेस बाकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे छान लेंगे। आप किसी भी बड़ी आपके पास छन्नी हो उसकी सहायता से छान लें। और फ्रेंड्स, इसका एक एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, कि आप सोचेंगे कि हमारा ये जल्दी हो जाए तो हर कोई सोचता है कि मिक्सी में पीस ले, तो मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी में पीसने पर इसके बीज पीस जाएंगे तो उसके साथ फिर उसका हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। तो हमें होटल स्टाइल बनाना है तो हम होटल वाले ऐसे ही करते हैं, छान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस तरीके का हुआ है छानने के बाद। अभी जो पल्प है, हम इसको धीरे धीरे जिस हद तक हमारा ये हो जाए हम इसको निचोड़ते रहेंगे। हमने यहाँ पे इसकी प्योरी को छान लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च डालेंगे पानी में घोल के। दोस्तों, हमने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च में पानी मिला दिया है अच्छे से। अब हम इसमें धीरे धीरे इसको ऐड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से धीरे धीरे ऐड करेंगे और हम इसको चलाते जाएंगे। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अब देखिए इसे डालते ही इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है। अब आप सोचेंगे हमने ब्रेड क्यों लिया है, तो फ्रेंड्स हमने सूप तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया, तो क्यों ना हम क्रूटॉन्स भी बनाएं। सो फ्रेंड्स हमने इसकी साइड की लेयर निकाल ली है काट के। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे तवा बिल्कुल गर्म हो गया है, हम तवे पे बना रहे हैं। आप ग्रिल भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ ग्रिल मशीन है तो। हल्का हल्का इसे सेकना है बस, किसी भी बटर किसी भी ऑयल का यूज नहीं करना है, सिर्फ तवे पे सेकना है करारा करारा। ये देखिए हो गया हमारा सूप बनके तैयार है, आप भी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।